कश्मीर जन्नत नज़ीर, कई नस्लें कश्मीरियों पर होने वाला जुल्म व सितम देख रही हैं। बच्चे जवान हुए, बूढ़े हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल सकी। दुनिया की सबसे बड़ी और नाम नेहाद जमहूरियत, लाखों कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक गस्ब किए बैठी है। लिखने वाले लिखते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन भारत कश्मीरियों पर जुल्म से बाज न आया। आज भी कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। दुनिया का हर बाज़मीर शख्स भारतीय इकदामात की मुखालफत करता है, हर बाज़मीर शख्स कश्मीरियों के मौक़िफ की हिमायत करता है, हर जिंदा ज़मीर रखने वाला शख्स भारत के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। कोई शक नहीं कि एक दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। कश्मीरी भारतीय फौजियों को अपनी जन्नत से निकालेंगे। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील करना किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं। भारत को इंसानी हकूक का एहतराम करते हुए कश्मीरियों की आबादियाती तकसीम के बजाय इनको अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद के मुताबिक हक़ खुदारादियत देना चाहिए, ताकि कश्मीरी अपनी उमंगों के मुताबिक अपनी किस्मत का फ़ैसला कर सकें। भारत ने कश्मीरी अवाम पर जुल्म व बर्बरियत का तूफ़ान बरपा कर रखा है। पूरी कौम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मना रही है। 5 अगस्त हमारी और कश्मीरियों की तारीख का स्याह दिन है। हम सबको चाहिए कि 5 अगस्त को भरपूर तरीके से कश्मीरियों से यकजहती करें, इसका इजहार करें। दुनिया और कश्मीरियों को पता चलना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। हमें एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कश्मीरियों को बावर कराना है कि आप तन्हा नहीं हैं, हर पाकिस्तानी आपके शाना बशाना खड़ा है। हमें आपकी तकालीफ का एहसास है।